रुको मैडम, ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं मैकेनिक हूँ मैडम, आपने तो बुलाया था मुझे गाड़ी खोलने के लिए। ओ अच्छा, तुम आ गए, अपना जल्दी से गाड़ी अनलॉक कर दो। वो ना मैंने गलती से गाड़ी की चाबी अंदर छोड़ दी है। ठीक है मैडम, मैं एक मिनट में खोल देता हूँ बस गाड़ी आपकी। हाँ तुम गाड़ी अनलॉक करो, मैं एक कॉल करके आती हूँ। हाँ मैं ना कोर्ट पहुंची रही हूँ। वो क्या हुआ ना कि मेरी ना गाड़ी लॉक हो गई है और चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। वैसे मैंने वो कार अनलॉक करने के लिए बुला लिया है। हाँ अभी वो कर ही रहे हैं। आप उन्हें बोलिए ना थोड़ा वेट करे, अगर आज फैसला नहीं हुआ ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, जितना जल्दी होता है मैं आती हूँ। ओके अभी तक नहीं हुआ क्या? इतना टाइम लगता है कि एक छोटे से काम के लिए? बस हो रहा है मैडम, 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। 5 साल हो गए तुम्हें एक काम करते हुए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा लॉक नहीं खोल पा रहे हो। देखो जल्दी करो, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ। मैडम कर रहा हूँ, अगर ज्यादा देर लगाई तो लॉक टूट सकता है। देखो जो भी हो तुम इसे जल्दी जल्दी अनलॉक कर दो, अगर तुमने और टाइम लगाया ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। कर रहा हूँ मैडम। अरे हाँ मैं बस आ रही हूँ, उनको बोलो बस 15 मिनट वेट करे। हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। खुल गई? हाँ मैडम खुल गई। थैंक यू सो मच, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचा लिया। अच्छा बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? 500 रुपए मैडम। कितने? 500। किया ही क्या है तुमने, 5 मिनट लगे तुम्हें काम करने में और तुम मुझसे 500 रुपए मांग रहे हो। मैम भले ये काम 5 मिनट का हो पर इसमें मुझे परफेक्ट होने में पूरे 4 साल लगे हैं, और आपको क्या आपके 5 मिनट दिख रहे हैं? मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिखा। देखो जो भी हो मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दूंगी, ठीक है? 100 रुपए में क्या होता है, और मैं आपके लिए अपनी दुकान छोड़ के आया। अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आप 100 रुपए देने वाले हो तो मैं आता ही नहीं। मैंने बोला ना मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दूंगी, लेने लो नहीं तो जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाई? देखिए ना ये 5 मिनट के मुझसे 500 रुपए मांग रहे हैं, सिर्फ एक कार अनलॉक किए इन्होंने, उसके मैंने 500 रुपए कैसे दे दूं? मैं 100 रुपए दे रही हूँ, वो ये ले नहीं रहे हैं। क्यों भाई, ये मैडम सही कह रही है क्या? अरे भाई साहब देखिए ना, इनकी चाबी इनकी गाड़ी में रह गई थी और मैं अपनी दुकान छोड़ के आया कि इनकी लॉक खोल दूँ, और मैंने इनका लॉक खोल दिया। मेरे बनते हैं 500 रुपए और ये दे दिया मुझे बस 100 रुपए। अरे मैडम क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रही हो, दे दो ना इसकी फीस इसको। अरे किया ही क्या है, एक वायर यूज करके कार ही तो अनलॉक की है और उसके मैं 500 रुपए कैसे दे दूँ? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा आप एक काम करो, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे देना। ये क्या किया तुमने? ये मैंने मैडम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और तू भाई ये पकड़ अपने 500 रुपए जो तूने मेहनत की है, और ऐसे लोगों के लिए अपने टाइम मत निकाला करो जिन लोगों को तुम्हारे टाइम की कदर नहीं। धन्यवाद भाई साहब। और हाँ मैडम, आप अगर इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया था ना तो ये रही आपकी गाड़ी, और गेट खोल के अपनी चाबी निकाल लीजिए, 500 तो क्या आपके 100 रुपए भी बच जाएंगे। हेलो मैम, हम केस हार चुके हैं। क्या?